दर्शन किया, मशाल जुलूस किया और आपका मोटरसाइकिल जुलूस किया। और इधर लास्टली हम 11-12 तारीख को कार्यबंदी का कार्य बहिष्कार का जो हमने रख रखा था उसका पूरा दबाव बना और सरकार ने हमको बात करने के लिए बुलाया। और उसके बाद जो समझौते हमारे हुए उसमें मुख्य रूप से समझौते हमारे हुए कि जो हमारी आउटसोर्सिंग और संविदा के लोगों का जो भविष्य खतरे में है, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर एक समिति बना के इनके भविष्य की सुरक्षित करने के लिए निर्णय लिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि आने वाले दिनों में रेगुलर कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार भी ये जो है आउटसोर्सिंग पे ही भर्ती कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी की जाए और इनकी सेवाओं में रहते हुए इन्हें रेगुलर किया जाए, जब नई भर्ती हो तो इन्हें उसमें वेटेज दिया जाए। ये तमाम से मुद्दे हैं, उनके वेतन की व्यवस्था की जाए और हमारे सभी संवर्गों की जो वेतन विसंगतियाँ थी और जिसमें जो है वेतन आयोग ने कर भी दिया है और ये मई से में जो है वेतन आयोग की रिपोर्ट सबमिट हुई थी और सरकार ने अभी तक नहीं लागू किया तो उस पर टाइम आउट किया गया कि 1 माह के अंदर हम इसको लागू कर देंगे। और हमारा जो है पदोन्नति के संबंध में जो कुछ समस्याएं थी जिसमें यह था कि अति उत्तम की बाध्यता थी तो उस पर सहमति बनी कि ये कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा। आगे क्या